कल ना अचानक से बारिश हो गई तो मैंने सोचा बारिश के लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज के उबले आलू ले लिए हैं। अब हम उसमें बारीक कटा हुआ हरे मिर्च डाल देंगे, साथ में थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ते डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ मसाले ऐड करना चाहें तो मसाले भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। छोटे बड़े जैसे बॉल्स आपको पसंद हो, चिपटा गोल वैसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो आलू में 6 से 7 बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसके लिए बैटर बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है। अब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम मिक्स करेंगे। हमें इसका गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए और बहुत पतला ना बनाए, गाढ़ा रहेगा तो इसके ऊपर आलू के ऊपर ही अच्छे से कोट हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। अब हम जो आलू के बॉल्स बनाए थे उसे बैटर में डालेंगे और अच्छी तरीके से चारों तरफ से कोट कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से सभी बैटर को डालते जाएंगे। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, स्पून से इजली पड़ जाता है। हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई ना करें वरना बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा, सारे जो इसके अंदर तेल हैं वो घुस जाएंगे। अच्छी तरीके से उलट पुलट कर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में आपको 5 मिनट का समय लग जाता है क्योंकि बेसन की इसके ऊपर काफ़ी मोटी कोटिंग होती है, तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसके लिए कभी भी पहले से भी आलू बॉयल करके या पहले अगर कभी आलू बच जाए तो उससे भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में मैंने इसके लिए थोड़े से मिर्ची को भी फ्राई कर लिया, 1-2 मिर्चें इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेसन में डिप कर देंगे और मिर्ची को हल्का सा मतलब उसको बीच से कट लगा के ही फ्राई करने, वरना ये तेल में फटकने लगेगा। तो अच्छी तरीके से मैंने यहाँ देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया, फटाफट से निकाल लेंगे। टोमेटो सॉस, ग्रीन सॉस या चाय के साथ आप इंजॉय करें, बहुत ही पसंद आएगा और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।